मेरे लिए कहीं भी कोई चुनौती नहीं है। जनता जो है विनोद कुमार को पसंद करता है। विधानसभा में उसके लिए धरना पर भी बैठना पड़े तो हम बैठ करके यहाँ के जो प्रतिनिधि है कभी इस क्षेत्र में पहल नहीं किया। बायसी के जो अल्पसंख्यक है सब जगह से भिन्न है। जो बीजेपी ने बिहार में कई नई चेहरे को टिकट दिया है जिसमें एक बायसी विधानसभा क्षेत्र भी है, यहाँ से एक युवा उम्मीदवार को टिकट दिया गया जिनका नाम विनोद यादव है। इनके बारे में एक खास बात प्रचलित है कि यहाँ छाप चाहे जो भी हो यहाँ छाप सिर्फ विनोद यादव जी का चलता है। यही वजह है कि पिछले विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी से लेकर राष्ट्रीय पार्टी को पीछे छोड़ते हुए विनोद यादव निर्दलीय दूसरे पोजीशन पर आए थे। हाँ सर बताइए, क्या इस बार भी विनोद यादव जी का जलवा बरकरार है, आपका जलवा बरकरार है क्या? जी बिल्कुल, इसमें भाजपा सरकार जो है अभी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के चलता है। अभी चाहे अल्पसंख्यक का मामला हो, छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक के छात्र का जो है जो उसमें सरकार दे रही है, और उसके बाद फिर मदरसा में इससे पहले जो सरकार थी जो है लालू जी मुस्लिम के वोट लिए अल्पसंख्यक के वोट लिए, लेकिन रियल में काम किए नीतीश जी जो है। लालू जी तो अपना सिर्फ वोट लेने का काम किए, जो है विकास का काम जो भी किया अल्पसंख्यक के लिए किए तो नीतीश जी किए, जो मान लीजिए इसका एनडीए का सरकार किया जो है। अभी जो आवासीय योजना है, शौचालय का योजना है, सड़क का योजना है, अभी घर घर अभी जो है उज्ज्वला का जो है गैस देने का काम किया, गैस सिलेंडर देने का काम किया जो है। उसके बाद अभी जो भी अभी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख। यहाँ पर जैसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, क्या अल्पसंख्यक भाई भी आप पे विश्वास कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से जो है पूरे भारत में बायसी के जो अल्पसंख्यक है सब जगह से भिन्न है जो है। और मेरा जो है एनडीए सरकार भी जो है जो अल्पसंख्यक के लिए किए, अल्पसंख्यक भी उसका चर्चा करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं। और कोई इसमें झांसा नहीं चलेगा जो है, सब कोई देखता है, यहाँ की जनता समझदार है जो है, सब कोई हमसे बातचीत भी होता, सबने एकदम कहा कि नहीं हम लोग जो एनडीए सरकार के साथ में हैं और आपके साथ में हैं जो है। ये जो अभी आया है पार्टी जो अभी जो है MIM आया है जो और सब कुछ जो है इसके नाम पर कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पूरा लहर है जी, पूरा लहर है जो सेवा से जुड़े रहे हैं सर, उनके बारे में कुछ बताएं जी। हम लोग के विद्यार्थी परिषद में थे उस समय से ही मान लीजिए सामाजिक इसमें समाज सेवा में जुड़े हुए रहे हैं जो है। जो भी काम पड़े या छोटा काम हो या बड़ा काम हो जो भी हो उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, उसके काम में आते हैं जो, और क्षेत्र में क्षेत्र से जब भी कोई पुकारता है या कोई जो अगर बुलाता है उसके लिए हम लोग हाजिर रहते हैं जो है जी। कोई भी जाति समुदाय के रहे जो। लगातार सर यहाँ परवान नदी और महाना नदी का कटाव से यहाँ की जनता त्रस्त है, उसके लिए सर क्या करेंगे? जी हमारा एनडीए सरकार जागरूक है जो है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि है कभी इस क्षेत्र में पहल नहीं किया जो। अगर हम जीत विधानसभा पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से इस कटान को जो है महानंदा का कटान हो, परमान नदी का कटान हो, इसको रोकने का प्रयास करेंगे या तटबंध के द्वारा जिस जैसे भी स्थिति हो मान लीजिए उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसे भी हमारा सरकार जो है विकास के प्रति जो है अपना सजग है जो है, लेकिन फिर भी अगर हमको अगर विधानसभा में उसके लिए धरना पर भी बैठना पड़े तो हम बैठ करके इस काम को निश्चित रूप से हम अपना कार्यकाल में ही पूरा करेंगे जो, तटबंध वाला काम जो जो भी अगर कटाव उसको रोकथाम करने का प्रयास करेंगे जो। सर दो दो चुनौती है, एक राजद है एक MIM है, तो आप सबसे बड़ी चुनौती दोनों में से किनको मानते हैं? मोहित जी आपको लगता होगा कि मेरे लिए चुनौती है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। मेरे लिए कहीं भी कोई चुनौती नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं, दोनों में कोई नहीं चुनौती नहीं है जो है। जनता जो है यहाँ का जनता जो है विनोद कुमार को पसंद करता है जो है, एनडीए सरकार को पसंद करता है, इसका विकास को देखता है जो है। अभी जो भी योजना अभी सब अभी देख रहा है जो, और कोई झांसे वाली बात में कोई आना नहीं चाह रहा यहाँ की जनता जो है। विशाल इंटरनेशनल स्कूल जहाँ आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।